दाइंग सेठ मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में कोरोना से निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। मानसून ने राजस्थान में दी दस्तक, दिल्ली को मानसून की बौछारों के लिए अभी करना होगा इंतजार। आज तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, राजस्थान का गंगानगर देश का पहला जिला जहां 100 के पार पेट्रोल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्खा सिंह के निधन पर जताया दुख, कई लोगों ने किया ट्वीट। भारत में अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का कोरोना से 91 साल की उम्र में निधन हो गया। मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शोक जताया है। बता दें कि बीते दिन उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी और ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम हो गया था। 91 साल के मिल्खा सिंह कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए थे, जिसके बाद अब उनका निधन हो गया है। ट्वीट में पीएम मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है, भारतीयों के दिलों में मिल्खा सिंह के लिए खास जगह थी, उन्होंने लोगों को अपने व्यक्तित्व से प्रेरित किया, मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूं। घरेलू बाजार में आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुंबई और हैदराबाद के बाद बेंगलोर तीसरा महानगर था जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया। बीते दिन पेट्रोल के दाम 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। पिछले करीब 7 हफ्तों में तेल की कीमतों में 26% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बात करें राजधानी दिल्ली में, आज पेट्रोल अपने उच्चतर 96.93 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल 87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। आपको बता दें कि 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल के खुदरा दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गए हैं। कर्नाटक के कई जिलों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर को छू गया था। खैर, देश में लोग कोरोना महामारी के बाद बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। आज राहुल गांधी 51 साल के हो गए हैं और इस अवसर पर दिल्ली कांग्रेस राजधानी में सेवा दिवस मनाया जाएगा। सेवा दिवस के दिन दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को मुफ्त में जरूरी सामान बांटेंगे। इसमें फेस मास्क, दवाइयां और पका हुआ खाना शामिल है। पार्टी ने इसकी पूरी जानकारी दी है। बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता नगर निगम के 271 वार्डों में मुफ्त राशन प्राप्त कराने के लिए लोगों को भोजन बांटेंगे। लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पुलिस बनकर शराब की दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो इनके पास न सिर्फ अंग्रेजी शराब बरामद हुई बल्कि हूबहू पुलिस वाली गाड़ी जैसी दिखने वाली बुलेरो भी बरामद की गई। लखनऊ की आशियाना पुलिस देर रात चोरों के एक ऐसे गिरोह के सदस्यों को उन्होंने गिरफ्तार किया जो पुलिस बनकर लखनऊ के अलग अलग इलाकों में शराब की दुकानों में चोरी किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 14 अंग्रेजी शराब की पेटियां भी बरामद की हैं, जो पिछले दिनों आशियाना और ठाकुरगंज इलाके की शराब की दुकानों से चोरी हुई थी। दिनांक 8 जून को थाना क्षेत्र आशियाना में न्यू गरौड़ा में एक शराब की दुकान है जहां पर एक चोरी की वारदात हुई थी, जिसके संबंध थाना आशियाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद लगातार हमारी सर्विलांस की टीम, हमारी मुंबई टीम लगातार सक्रिय थी और कल रात को लगभग 3 बजे के आसपास एम्बन पुलिया के पास जो है 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में इन 4 व्यक्तियों का नाम, पहला जो व्यक्ति है ये दीपक कश्यप नाम है, ये थाना क्षेत्र पाकोरी ग्राम मल्हा का रहने वाला है और इसके ऊपर पहले से भी ताजनगरी आगरा के विकास प्राधिकरण लगातार विवादों में घिरा रहता है।
कभी आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई कॉलोनी एडीए हाइट्स, तो कभी मंदिर तोड़ने का विवाद। और अब एक बार फिर से विकास प्राधिकरण ने बिचपुरी ब्लॉक के मोजा मोहम्मदपुर में रह रहे करीब 150 परिवारों की नींद उड़ा दी है। विकास प्राधिकरण ने मोहम्मदपुर में रहने वाले करीब 150 परिवारों के मकानों को चिन्हित कर तोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। ताजनगरी में प्राइवेट बिल्डरों द्वारा सैकड़ों अवैध निर्माण प्राधिकरण की सीमा में हो चुके हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। प्राधिकरण पूंजीपतियों पर कार्यवाही न करते हुए इन 150 परिवारों को अपना निवाला बना रहा है। मोहम्मदपुर के निवासियों का कहना है कि हम कई वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, हमने एक एक रुपया जमा करके अपना छोटा सा आशियाना बनाया है। इतना ही नहीं, एक पीड़ित का तो यह भी कहना है कि जिस मकान को उसने खरीदा है वह हमें एडीए में कार्यरत एक कर्मचारी ने ही बेचा है। दूसरी तरफ मंदिर तोड़ने के विवाद में हिंदुवादी संगठनों ने 72 घंटे में मंदिर निर्माण का अल्टीमेटम विकास प्राधिकरण को दे दिया है। वहीं विकास प्राधिकरण मंदिर तोड़ने की बात से साफ इनकार कर रहा है। डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। सपा जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी की कमर टूट गई है। कीमतें बढ़ने से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो गई हैं। सरकार बढ़ी कीमतों को जल्द वापस ले। वहीं समाजवादी पार्टी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध जताया। जिलाध्यक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आम आदमी इस वक्त सुरक्षित नहीं है, घर की बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। वहीं पूरे सूबे में भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्यपाल के नाम हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार हैं, जिस तरीके से लाइन ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है, मनमानी तरीके से सरकार के लोग गुंडागर्दी करने पे आमादा है, आम आदमी सुरक्षित। जर्जर भवनों को लेकर सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि इनका ध्वस्तीकरण किया जाए, लेकिन आजमगढ़ का जिला पूर्ति कार्यालय ऐसे भवन में संचालित हो रहा है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्थिति यह है कि यहां पर तैनात अधिकारी कर्मचारी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने को मजबूर हैं। कई बार इस जर्जर भवन को लेकर विभाग के अधिकारियों ने प्रशासन को अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक कोई भी विकल्प तैयार नहीं किया गया। इस समय जिस प्रकार से लगातार बरसात हो रही है, इसके चलते खतरा भी ज्यादा हो चुका है। यह भवन जिला पंचायत विभाग के अंतर्गत आता है। डीएसओ सुनील कुमार पुष्कर के अनुसार जिला पंचायत की बिल्डिंग है, जिसके पहले से ही जर्जर घोषित कर दिया जा चुका है। दो बार नए भवन के लिए विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक आवेदन नहीं आया है। फिलहाल नए भवन के लिए प्रयास जारी है, प्रशासन का भी उन्हें सहयोग मिल रहा है। बस्ती जिले में लगातार लूट की बढ़ रही घटनाओं पर काबू पाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बीते दिनों पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास तमंचे के बल पर बदमाशों ने 3 दिन पहले लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाश दिन दहाड़े एक बुलेरो गाड़ी लूट कर फरार हो गए थे। वहीं शुक्रवार की सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एसओजी और स्क्वाड टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसमें एसओजी टीम के आदित्य पांडे और स्क्वाड टीम के देवेंद्र निषाद गोली लगने से घायल हो गए। वहीं जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों अभिमन्यु और सोनू के पैर में गोली लगी। काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घायल बदमाशों और पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आज सुबह मुखबिर किससे सूचना मिली थी, जिसके बाद संयुक्त टीम के ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं। साथ ही मुठभेड़ में शामिल 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 16 जून को थाना पुरानी बस्ती में प्रातःकाल में एक बोलेरो लूट की घटना हुई थी, जिसमें वाहन स्वामी की तहरीर के आधार पर 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस संबंध में जनपद बस्ती की 2 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा कल शाम को जब कार्रवाई की जा रही थी, तो ये बोलेरो लेकर के 3 अभियुक्त निकल रहे थे, जिनके साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें इनमें से 2 अभियुक्त घायल हुए। इनका नाम अभिमन्यु कुमार साव पुत्र विष्णुदेव
निवासी मधेपुरा बिहार है, और दूसरे अभियुक्त का नाम सोनू पांडे उर्फ रावण, निवासी पूरे उदयी थाना कोतवाली देहात है। इनका तीसरा साथी भी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसको चोट नहीं लगी है। इस मुठभेड़ में हमारे दो आरक्षी भी घायल हुए हैं, आदित्य पांडे और देवेंद्र निषाद। इन अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गई बुलेरो बरामद हो गई है। इनके कब्जे से दो तमंचे, एक 315 बोर का और एक 12 बोर का बरामद हुए हैं, और चार कारतूस बरामद हुए हैं, दो 315 बोर के और दो 12 बोर के, और एक चाकू बरामद हुआ है। इन तीनों के आपराधिक इतिहास को जानने का प्रयास किया। आईजी रेंज आगरा नवीन अरोरा ने अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की है। यह अभियान अगले एक महीने तक चलेगा। ऑपरेशन प्रहार चार जिलों आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में चलाया जाएगा। अभी तक इस ऑपरेशन के तहत भूमाफियाओं और गैंगस्टर पर बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 50 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वही पंचायत चुनाव को प्रभावित करने वालों पर भी कार्यवाही करते हुए एनएसए और गैंगस्टर लगाया गया है। ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत 87 नई हिस्ट्री शीट खोली गई है और 250 हिस्ट्री शीटर पर कार्यवाही की गई है। 68 अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गई है, जिन्होंने महिलाओं से छेड़छाड़ के साथ उन्हें बरगलाने के बाद भगाने का काम किया। आज कानपुर नगर पुलिस की थाना किरवई नगर द्वारा अनुज कठेरिया उर्फ अनुज चेतन सरस्वती की गिरफ्तारी की गई है। इनकी पत्नी द्वारा 307, 377, 495 आदि धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया था, जिनपे आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनकी पूर्व में 5 शादियां होने की बात प्रकाश में आई है, व ये पूर्व में शाहजहांपुर जनपद से। कानपुर देहात का जिला प्रशासन बारिश के मौसम से पहले बरसात के पानी को संरक्षित करने की कवायद शुरू में लग चुका है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश के बाद जिले के मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे की निगरानी में जिले के तालाबों का सौंदर्यीकरण करने और साफ सफाई करने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। साथ ही बारिश के पानी को तालाबों में एकत्र करने के लिए समुचित इंतजाम किए जा रहे हैं। जल संरक्षण को लेकर पुराने आदर्श तालाबों की स्थिति का आकलन कर बदहाल तालाबों को सही कराने का काम भी तेजी से किया जा रहा है, जिसके चलते जनपद में अब तक करीब 174 तालाबों को साफ कराया गया है। साथ ही साथ तालाबों के आसपास पौधारोपण करने की योजना बनाई गई है। जिला प्रशासन ने जिले के करीब 300 से अधिक तालाबों को साफ कराकर जल संरक्षण की योजना तैयार की है। तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य मनरेगा सहित कई योजनाओं से संचालित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके जरिए ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने बताया कि पीएम मोदी ने 22 मार्च को जल संरक्षण के उद्देश्य से कई योजनाओं का शुभारंभ किया था, जिसके बाद से जनपद में तेजी से काम करते हुए करीब 174 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। इतना ही नहीं, जल संरक्षण के लिए जनपद के सभी जल संरक्षण केंद्रों को सही कराने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में मनरेगा योजना का प्रयोग करते हुए ग्रामीणों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात। हमारे जनपद में कैच द रेन अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 22 मार्च को आरंभ किया गया था, उसके अंतर्गत जल संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियां गांव पंचायतों में की जा रही हैं। सर्वप्रथम मनरेगा के अंतर्गत वाटर रिजुविनेशन के लिए तालाब खुदाई, जिसमें अभी तक 174 तालाब खोदे जा चुके हैं और ये कार्य निरंतर चल रहा है। लगभग 300-350 तालाब खोदे जाएंगे। साथ ही साथ जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जल संरक्षण के, उनका रेनोवेशन और रिजुविनेशन के लिए भी कार्य मनरेगा के अंतर्गत गांव पंचायतों में कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ ड्रॉट प्रूफिंग और फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में 244 तालाब भी खोदे गए थे, जिनसे जल संरक्षण में मदद मिले। हमारे यहाँ 10 विकासखंड हैं, जिसपे हमने आइडेंटिफाई किया है कि 3 विकासखंड सेमी क्रिटिकल स्टेज में हैं, जहाँ वाटर लेवल नीचे है, ग्राउंड वाटर लेवल, उसके लिए विशेष अभियान चला के वहाँ जल संरक्षण की गतिविधियों को और जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर इसका अवेयरनेस भी गाँव पंचायतों में फैलाया जा रहा है कि लोग जल का संरक्षण किस। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कस्बे में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहली ही बरसात में चारों तरफ पानी भर गया। पानी भरने के चलते परिसर में खड़ी एम्बुलेंस पानी में डूब गई, जिससे क्षेत्र में मरीजों को लाने ले जाने का काम ठप हो गया है।
जहां एक तरफ बीमार मरीजों को लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचने की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, वहीं परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को भी जल भराव के चलते काफी समस्याएं हो रही हैं। जल भराव की वजह से मच्छरों से होने वाले डेंगू जैसी बीमारियों का डर भी उन्हें सता रहा है। हॉस्पिटल परिसर में आसपास वाले मेडिकल कचरे के पानी में उतरने से अन्य बीमारियां फैलने का भी खतरा पैदा हो गया है। लखनऊ के चौक क्षेत्र के नादान महल में जूनियर इंजीनियर ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि 1 MVA ट्रांसफार्मर जल जाने से ट्रांसफार्मर बदलने गई लेसा टीम को लगभग 7 घंटे लग गए। समय लगने के कारण प्रबंधक निदेशक मौके पहुंचे और उन्होंने गलत तरीके से जेई को काफी टाइम लगाने का जिम्मेदार ठहरा दिया और निलंबन के आदेश जारी कर दिए, जिसमें एक जेई को निलंबित भी कर दिया गया है। निलंबन आदेश में यह भी लिख दिया गया कि जो भी रिपेयरिंग का खर्चा आएगा वह इसी जेई की तनख्वाह से काट लिया जाएगा। इसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। वहीं निलंबन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर किया गया। भैया, हम लोग बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर संगठन के सदस्य हैं। मैं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के लेसा से इस गोमती का सचिव हूँ, अजय यादव। 16 तारीख को चौक विद्युतरण खंड में नादान महल अय्यागंज क्षेत्र में एक 1 MVA ट्रांसफार्मर जल गया था। क्योंकि 1 MVA ट्रांसफार्मर वितरण का एक बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, जिससे बहुत बड़ी आबादी को विद्युत आपूर्ति दी जाती है। क्योंकि ट्रांसफार्मर जल गया था और ट्रांसफार्मर जलने के बाद बदलने में करीबन 6 से 7 घंटा लग ही जाता है अमूमन, तो इतना समय लगा। उसके बाद इस घटने की जांच करने के लिए हमारे प्रबंध निदेशक महोदय खुद मौके पर गए और उन्होंने गलत तरीके से जेई को जिम्मेदार बताते हुए निलंबन का एक आदेश कर दिया, जिसे कल हमारा एक साथी निलंबित कर दिया गया है। और यही नहीं, उस निलंबन आदेश में उन्होंने ये लिख दिया कि जो भी इसका रिपेयर का कास्ट होगा वो जेई के वेतन से काट लिया जाए या रिकवरी की जाए, जो कि बहुत ही गलत है। और हम लोग इसका घोर भर्सना करते हैं, निंदा करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अपने सुल्तानपुर के नजूल की जमीन पर बने मंदिर परिसर की दुकानों कमरों को ट्रस्टियों द्वारा जीर्ण शीर्ण बताकर तोड़ दिया गया। स्थानीय प्रशासन और भाजपाइयों द्वारा करोड़ों की इस बेशकीमती जमीन पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू करवा दिया गया है। हैरानी की बात तो ये रही कि स्थानीय कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद भी अधिकारी अनदेखी करते हुए दिखाई दिए हैं। निर्माण कार्य धड़ल्ले से होता रहा है। वहीं हाईकोर्ट की डबल बेंच की PIL पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया। आनन फानन पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने कार्य को रुकवाया और आगे कार्य न करने की भी हिदायत दी। तुलसी सत्संग भवन के लिए नजूल भूमि के रूप में आवंटित, और इसका जो है नजूल भूमि के संबंध में इसका नक्शा पास कराने के लिए विनिवेदकरण क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया है और अभी नक्शा स्वीकृत नहीं है। इनको बिना नक्शा स्वीकृत इन्होंने काम शुरू कर दिया है। इनको धारा 10 की नोटिस भी दी गई है। इसके अतिरिक्त इस पर जो है कुछ यहाँ पे पहले दुकानें थी, वो दुकानदार इनसे नाराज़ थे तो वो लोग सिविल कोर्ट गए, सिविल कोर्ट ने भी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी और कोरोना से बचाव के लिए मास्क है जरूरी।